अभी तक कोरोना हमें मार रहा था, लेकिन इस बीच ब्लैक फंगस नाम की दूसरी महामारी भी लोगों की जान ले रहा है। देश के अधिकांश इलाकों में हालात ऐसे हैं कि कोरोना से बचे तो ब्लैक फंगस से मरे, क्योंकि अभी तक जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ब्लैक फंगस उन्हीं मरीजों पर अटैक कर रहा है जो कोरोना से ठीक हुए हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को इसी महामारी घोषित करने के लिए कहा। आलम यह है कि कई राज्य इसे महामारी के रूप में घोषित कर चुके हैं, क्योंकि उन राज्यों में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से भी मरने वालों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में एक अनजान सा डर बैठा है। आखिर अब ये किस किस्म की बला है, महामारी के गुणक्षण क्या हैं, किन कारणों से ये बढ़ रही है, सबसे अहम बात कि आखिर इसे किन उपायों से रोका जा सकता है। दरअसल इन सारे जवाबों के अभी तक ठोस जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर डॉक्टरों ने जरूरी बातें बताई। मसलन ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइसिस बीमारी के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी एक तरह के फंगस से फैलती है। इस फंगस के स्पोर्स हवा में मौजूद होते हैं। आमतौर पर इनसे कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अगर शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो ये जानलेवा साबित होते हैं। शुगर के मरीज इस बीमारी से ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इस रोग में आँख की नसों के पास फंगल इन्फेक्शन जमा हो जाता है, जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है। इसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। सबसे डराने वाली बात यह है कि कोरोना संक्रमित मरीज या कोरोना से स्वस्थ हुए कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखा गया। यह इन्फेक्शन आमतौर पर उन लोगों में पाया गया है जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने में कमजोर होता है। अब केंद्र सरकार ने भी राज्यों से ये कहा कि वह म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम के तहत अधिसूचित करें। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार ने पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दी थी। कई राज्यों ने इससे निपटने के लिए अस्पतालों में वार्ड बनाए हैं। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मद्देनजर कोविड रोगियों की नेशनल एंडोस्कोपी का अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ब्लैक फंगस के राज्य में 1500 से ज्यादा केस पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश भी ब्लैक फंगस की चपेट में आता दिखाई दे रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे शहर लखनऊ और मेरठ में अब इसका कहर बरप रहा है। लखनऊ में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले दर्ज हुए हैं। राजधानी दिल्ली में भी ब्लैक फंगस से न सिर्फ लोग संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि लोगों के मरने की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि केजरीवाल सरकार ने साफ किया कि उनकी इस बीमारी में पूरी तरीके से नजर है। हालात को देखते हुए वो आगे का फैसला लेंगे। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।